पूरा देश मिलकर के बिहार को नहीं आगे बढ़ने देना चाह रहा है, ये नहीं लग रहा है, है? बिहार सरकार के उद्योग मंत्री समीर महासेठ का बड़ा आरोप है केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार पर कहना है कि पूरे देश मिलकर जो है वो बिहार को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है, बिहार को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, केंद्र सरकार हमें कोई मदद नहीं कर रही है स्पेशल तरीके से। जो विशेष राज्य के दर्जे की बात है वो मांग भी हम लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी किसी को कान में जो है जू नहीं रेंग रहा है और बिहार को सब मिल के आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। ये बात आज बिहार सरकार के आरजेडी कोटे से जो मंत्री हैं समीर महासेठ ने कही। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि बिहार को जिस तरीके से बिहार पीछे है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर कोई बात नहीं हो रहा। इतना ही नहीं, साथ में यह भी कहा गया है कि जिस तरीके से लगातार बिहार में जीडीपी की बात करें या जिस तरीके से लगातार जो महंगाई है, ये तमाम चीज़ों को लेकर जो है समीर महासेठ ने बड़ा बयान दिया है। ज़रा सुनिए किस तरीके से बड़ा आरोप लगाया है कि पूरे देश मिलकर बिहार को नहीं आगे बढ़ने दे रहा है। जरा सुनिए इस बयान को। ये तो हमारे उद्योग विभाग को, लेकिन आपको क्या लगता है देश में जो माहौल जिस तरीके में और जो आपके प्रश्न हैं जिनसे संबंधित है उनके प्रवक्ता से पूछा जाए। हमारी जिस पार्टी से हम ऑथराइज नहीं है अपने पार्टी के प्रवक्ता से। तेजस्वी यादव तो जा रहे हैं, लेकिन अभी से जानकारी मिल रही है बात है। तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए हमेशा मुख्यमंत्री जी जाते रहे हैं, जाते रहेंगे, कुछ कारण ऐसा होगा वो वही बता पाएंगे। असुरक्षित अल्पसंख्यक किसकी बातें चल रही हैं, आपको क्या लगता है देश में माहौल कैसा है? अरे पूरा देश मिलकर के बिहार को नहीं आगे बढ़ने देना चाह रहा है, ये नहीं लग रहा है, है? पूरा देश को मिलकर के बिहार को अगर आगे बढ़ने देता तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं मिलता है। चार दिन पांच दिन बारिश हो जाएगा नेपाल में, हमारे यहाँ दहा जाता है मधुबनी जिला से, ये दर्द नहीं है देश में है? समान की नहीं मैंने भाड़ा नियम बना करके पूर्व से हमारा बिहार झारखंड जब एक था पूरा की नहीं मैंने लूट के ले गया सब उद्योगपति, तो ध्यान नहीं है कौन बढ़ाया पूरे देश में। अगर बिहार झारखंड से किनाई लेके गया उस समय नहीं था, पूरा देश के लिए नमक खा रहा गुजरात से, तो इक्वल फ्रेट के हिसाब से कहाँ आपके घर तक नमक का के लिए सस्ता में कि नहीं मिल जाता है, ये सब चीज चलता रहता है। बॉस सपोर्ट नहीं कर रहा है आपको? केंद्र सरकार के बिना राज्य सरकार है, राज्य सरकार के बिना केंद्र सरकार है, हम ही करें जो सपोर्टिव होना चाहिए वो मिलना चाहिए। ये बिहार के आवाम और एक एक व्यक्ति के बारे में है कि क्यों जिले कर रहे हो हमारे डेवलपमेंट के साथ। अगर नहीं तो याद कर लो पूरा देश का जीडीपी तुम्हारा जहाँ पर है उससे नहीं नीचे जाएगा। तुम बिहार को मदद करोगे और ऐसे गरीब पांच राज्य को मदद करोगे पूरा देश तुम्हारा जीडीपी रेशियो आगे बढ़ेगा, ये समीर महासेठ का कहना। अगर कर सकते हो तो करो और तुम अपने जीडीपी बढ़ाने में बिहार तुमको सपोर्ट करेगा। और ये जान लीजिए बिहार के उद्योग मंत्री के हिस्से से मैं कहना चाहता हूँ कि बिहार से जो पलायन हुए हैं उसमें भारत सरकार हमें स्पेशल इकोनॉमिक जोन, हम विशेष राज्य आपसे नहीं मांग रहे हैं, जो उद्योग मंत्री हम मांग रहे हैं कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन दीजिए। और हमारे सारे पत्रकार भाई अपने अपने घर परिवार से जितने लोग हैं आप लाइए, सैकड़ों को लोगों को नौकरी मिलेगी। अभी हम नहीं दे पा रहे उसका जो मुख्य कारण है वो हमने बताया है। बिहार छोड़ करके पूरे देश में चले जाइए, कहाँ नहीं स्पेशल इकोनॉमिक जोन है भाई, हर एक स्टेट में हमारा अर्हता नहीं रखता है क्या? इसलिए मैं चाहता हूँ मित्रवर नाते जो चौथा स्तंभ है आप लोग उस बात की चर्चा कर दे ताकि